हेलो एवरीबॉडी, इन दिस लेक्चर वी विल लर्न अबाउट द ब्रिक्स एंड ब्रिक्स मिशनरी। तो सबसे पहले हमें देखना होगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रिक्स और कितने टाइप्स की ब्रिक्स होती हैं, कौन कौन से कंपोजिशंस होंगे। इस लेक्चर को देखने के बाद यू विल बी एबल टू सॉल्व ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चंस SSC JEE एंड आप किसी भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर उठा के आप सॉल्व कर सकते हो जो कि इस टॉपिक का होगा, ब्रिक्स एंड ब्रिक्स मिशनरी के ऊपर। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ब्रिक्स की। ब्रिक्स आर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ बिल्डिंग, ठीक है। द मेन कंपोनेंट्स ऑफ द ब्रिक्स क्या क्या होते हैं, मेन कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं ब्रिक्स के अंदर। जो पहला कंपोनेंट होता है उसका नाम होता है एलुमिना। एलुमिना आपका कितना परसेंट में मिलता है, 20-30% आपको एलुमिना मिलता है ब्रिक्स के अंदर। और ये आपका क्या इम्पार्ट करता है, मतलब इसकी वजह से क्या चीज़ उसके अंदर, आपकी जो ब्रिक होती है उसके अंदर कौन सी चीज़ इम्प्रूव होती है, तो ये प्लास्टिसिटी इम्पार्ट करता है, ठीक है। और अगर ये एक्सेस फॉर्म में प्रेजेंट हो, अगर ब्रिक्स के अंदर ये मैक्सिमम मतलब कि जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा 20-30% से ज़्यादा प्रेजेंट होगा, तो ये ब्रिक्स के अंदर श्रिंकेज और वेयरपरिंग को प्रमोट करेगा, मतलब कि आपकी जो ब्रिक होगी वो श्रिंक कर जाएगी, छोटी हो जाएगी साइज में, ठीक है। तो एलुमिना के बारे में आपको इतना याद रखना है कि 20-30% होता है और ये प्लास्टिसिटी इम्पार्ट करता है, और अगर ये ज़्यादा अमाउंट में होगा तो ये श्रिंकेज क्रिएट करेगा। तो आपको ये चीज़ें एलुमिना के बारे में याद रखनी है। इसके बाद अगर दूसरे कंपोजिशन की, दूसरे कंपोनेंट्स की बात करें, तो दूसरा कंपोनेंट होता है आपका सिलिका, जिसका अमाउंट होता है 50-60% 50-60% प्रेजेंट होता है किसी भी ब्रिक के अंदर। ये काम क्या करता है, जो आपकी ब्रिक श्रिंक होगी उसको बचाता है, मतलब कि ये श्रिंकेज से प्रिवेंट करता है, क्रैकिंग होने से बचाता है। तो दो काम करता है, श्रिंकेज नहीं होने देता और क्रैकिंग नहीं होने देता। अगर ये ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट हो, अगर इसकी जो वैल्यू है वो 50% से 60% से ज़्यादा हो, मतलब 60% से थोड़ा सा भी अगर ज़्यादा होगा, 65% भी होगा, देन ये आपका कोहेशन क्या होता है, मतलब एक जो ब्रिक है वो दूसरे ब्रिक से जुड़ने के लिए और मोर्टार से जुड़ने के लिए, चिपकने के लिए जो उसको फोर्स चाहिए होता है, जो क्वालिटी चाहिए होती है, या फिर जो सरफेस क्वालिटी चाहिए होती है, वो ख़त्म हो जाती है अगर 60% से अबव होती है सिलिका आपकी। तो याद रखना है, अगर ये एक्सेस फॉर्म में प्रेजेंट होगा देन इट विल डिस्ट्रॉय द कोहेशन। नेक्स्ट होता है आपका लाइम। लाइम जो होता है आपके ब्रिक के अंदर वो 3-5% प्रेजेंट होता है, 3-5% प्रेजेंट होता है। ये काम क्या करता है, ये भी श्रिंकेज से बचाता है। तो आपको याद रखना है, लाइम और सिलिका क्या करते हैं, श्रिंकेज मतलब श्रिंक होने से, सिकुड़ने से, गेट को सिकुड़ने से बचाते हैं। अगर लाइम आपका 5% से अगर ज़्यादा होगा तो क्या होगा, आपकी जो ब्रिक होगी वो हाई टेम्परेचर पे जाते ही मेल्ट करना स्टार्ट कर देगी। तो ये किसको प्रोवोक करता है, मतलब कि ये मेल्टिंग को बढ़ाता है, मेल्टिंग होना स्टार्ट हो जाएगी आपकी ब्रिक की। तो आपको ये याद रखना है, अगर लाइम 3-5% से ज़्यादा हुआ तो। इसके बाद अगर हम बात करें आयरन ऑक्साइड की, जो आपका आयरन ऑक्साइड होता है वो एक ब्रिक के अंदर 5-6% होता है। अब देखिए, आयरन ऑक्साइड होता है वो रेड कलर का होता है, तो जो ब्रिक की जो रेडिश कलर होती है, ब्रिक के जो खुद का कलर होता है वो रेडिश कलर होता है, और ब्रिक के अंदर जो रेडिश कलर आता है वो किससे आता है, वो आपके आयरन ऑक्साइड से आता है। 5-6% आपका आयरन ऑक्साइड होता है, जो ब्रिक का अपना खुद का कलर होता है वो आता है किससे, आयरन ऑक्साइड से। तो याद रखना कि रेड कलर देता है ब्रिक को कौन, आपका आयरन ऑक्साइड। अगर ये ज़्यादा अमाउंट में होगा, मतलब 6% से ज़्यादा होगा, तो जो कलर होना चाहिए, एक स्टैंडर्ड कलर होना चाहिए, वो कलर नहीं रहेगा आपकी ब्रिक का। तो आयरन ऑक्साइड प्रोवाइड द रेडिश कलर टू द ब्रिक। नेक्स्ट इज मैग्नीशिया। देखिए, मैग्नीशिया का मतलब क्या होता है, मैग्नीशिया भी आपका बहुत फ्रैक्शन में, बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है। ये येलो टिंट देता है, आपने देखा होगा किसी ब्रिक के ऊपर हल्का हल्का येलोइश कलर होता है किनारों पे। अगर ज़्यादा अगर हम इसको डाल दें तो क्या होगा, ये डिके कर देगा, मतलब कि आपकी ब्रिक होगी वो ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाएगी। तो ज़्यादा हो अगर कोई भी किसी भी ब्रिक में अगर मैग्नीशिया है, तो इट विल कॉज द डिके ऑफ ब्रिक। नेक्स्ट, ये तो हो गए सारे इंग्रेडिएंट जो बनाने के लिए काम आते हैं, पांच आपको याद रखने हैं। दोबारा से मैं एक बार आपको रिवाइज करवा देता हूँ। पहला होता है मैग्नीशिया, स्मॉल अमाउंट में होता है। दूसरा होता है आयरन ऑक्साइड। तीसरा होता है लाइम और सिलिका, उसके बाद एल्युमिनियम। तो इस तरीके से आपको रिवाइज करते हुए याद करना है, और इनके अंदर से 101% एक क्वेश्चन आपको अपेयर होता है एग्जाम में। नेक्स्ट इज हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स, मतलब ऐसी चीज़ें जो अगर होंगी आपकी ब्रिक के अंदर तो वो हार्मफुल होंगी, खतरनाक होंगी। तो पहली होती है लाइम। देखिए, लाइम जो होता है, हमने ऊपर पढ़ा, लाइम जो होता है वो क्या करता है, डिसइंटीग्रेट कर देता है अगर ज़्यादा हो गया तो, मेल्ट कर देता है, मतलब जो आपकी ब्रिक होती है वो क्रिस्टल फॉर्म में अलग अलग पार्ट्स में टूटने लग जाती है। उसके दूसरा जो हार्मफुल इंग्रेडिएंट हो गया या हार्मफुल चीज़ होगी, वो होगी आयरन पाइराइट। अगर आयरन पाइराइट आपकी ज़्यादा हुई तो ये भी क्रिस्टलाइजेशन, मतलब कि क्रिस्टल्स की फॉर्म में आपकी ब्रिक ब्रेक डाउन हो जाएगी, मतलब डिसइंटीग्रेट कर देगा ब्रिक को, छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक डाउन कर देगा।
नेक्स्ट होता है आपका एल्कलीज और सॉल्ट, मतलब कि ब्रिक के अंदर जब हमने ब्रिक को बनाया था, प्रिपेयर किया था, इसके अंदर अगर सॉल्ट्स हैं तो आपको आपको एफ्लोरेसेंस दिखेगा। ये एफ्लोरेसेंस क्या होता है? एफ्लोरेसेंस का मतलब होता है कि ब्रिक के ऊपर वाइट कलर के धब्बे लग जाते हैं, सफ़ेद सफ़ेद कलर के धब्बे लग जाते हैं। अब अभी हम डिटेल में देखेंगे एफ्लोरेसेंस। नेक्स्ट होता है चौथा ऑर्गेनिक मैटर। इसका मतलब क्या ऑर्गेनिक मैटर का? ये लीड करता है डिकम्पोजिशन ऑफ ब्रिक। ऑर्गेनिक मैटर जैसे आपका कोई भी ऑर्गेनिक मैटर हो सकता है, जैसे आपके लीफ हो गए, पत्ते हो गए, ठीक है, ये भी एक ऑर्गेनिक मैटर है जो अपने आप में क्या होता हो, ब्रेक डाउन होता हो टाइम के साथ, तो ये डिकम्पोज कर देगा आपके ब्रिक को। तो आपको याद रखने का ऑर्गेनिक मैटर भी एक हार्मफुल इंग्रेडिएंट है आपके ब्रिक के अंदर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट होता है सैंड एंड पेबल्स। अगर आपने सैंड बनाते टाइम पे जो स्टोन्स होते हैं उनको अगर रिमूव नहीं किया, पेबल्स को रिमूव नहीं किया, तो ये आपकी लोड बियरिंग कैपेसिटी को रिड्यूस कर देंगे। इसका मतलब क्या है? लोड बियरिंग कैपेसिटी को रिड्यूस करने का मतलब है कि जो आपकी बिल्डिंग के ऊपर लोड लगेगा उसको आपकी जो ब्रिक्स हैं वो उठा नहीं पाएंगे। तो यू हैव टू रिमेंबर दीज फाइव थिंग्स विच यू हैव टू रिमेंबर, कि ये पांच चीज़ें अगर एक्सेस अमाउंट में आपके ब्रिक के अंदर होंगी देन इट विल लीड्स टू द हार्मफुल इफेक्ट्स। तो ये हार्मफुल होंगे आपके ब्रिक के लिए। नेक्स्ट आपका मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक। अब क्या हुआ, हमने देख लिया कि ये चीज़ें हमें ब्रिक को बनाने के लिए चाहिए। अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो स्टेप होता है ब्रिक को बनाने के लिए, जो पहला स्टेप होता है उसको बोलते हैं क्ले को प्रिपेयर करना, है ना। वैसे तो आजकल फ्लाई ऐश जो होती है, मतलब जो इंडस्ट्रियल ऐश होती है, जो राख होती है इंडस्ट्रीज के अंदर वेस्ट, उससे आप ब्रिक्स का कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, लेकिन हम ट्रेडिशनल तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं, दैट्स वाई वी हैव टू नो अबाउट द ट्रेडिशनल ब्रिक्स। तो प्रिपेयरिंग ऑफ क्ले, मतलब सबसे पहला जो स्टेप होगा ब्रिक बनाने का, पहला स्टेप होगा आपको क्ले बनानी पड़ेगी। तो क्ले कैसे बनती है? आपकी जो अर्थ सरफेस होती है, ये आपकी अर्थ सरफेस है, ठीक है, दिस इज योर अर्थ सरफेस। अभी क्या करना है, जो पहला स्टेप होता है उसको बोलते हैं अनसॉइलिंग। अनसॉइलिंग का बेसिकली मतलब होता है कि आपके पास में जो अर्थ की जो सरफेस है उससे 300 mm, कितना, 300 mm, ठीक है, 300 mm तक आपको डिग करना होता है। डिग मतलब खुदाई करनी होती है और उस वाली मिट्टी को आपको हटाना होता है क्योंकि ये यूज़ में नहीं आती है। देन जो आपके यहाँ से 300 mm के बाद में जो आपकी क्ले आएगी, जो आपकी मिट्टी आएगी, उसको खोदना होता है। उसको खोदने के बाद में उसको आपने निकाल लिया, फॉर एग्जांपल आपने निकाल के उसको किसी एक पर्टिकुलर जगह पर रख लिया, उसके बाद में आपने उसको क्लीन किया। क्लीन करने का मतलब है आपने उसमें से जो पेबल्स और स्टोन्स थे उनको क्लीन किया। देन जो डी वेदरिंग, वेदरिंग का मतलब है उसके अंदर आपने छोटे छोटे पार्ट्स कर दिए, जो मोटे पत्थर थे उनको छोटा कर दिया। उसके बाद ब्लेंडिंग, ब्लेंडिंग बहुत अच्छा है। ब्लेंडिंग का मतलब होता है जिस चीज़ की कमी है, जैसे मैग्नीशिया की कमी है, लाइम की कमी है, उसको ब्लेंड कर दिया आपके उस सॉइल पार्ट के अंदर। तो उसके बाद आता है आपका टेम्परिंग। टेम्परिंग का बेसिक मतलब होता है, ये आपका पग मिल से होता है। टेम्परिंग मतलब उसको मिला देना, सब कुछ को एक फाइन ग्रेन बना देना, छोटे छोटे बारीक पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर देना, पग मिल के थ्रू होता है। पग मिल याद रखना, पग मिल में होता है आपका टेम्परिंग। तो अब आपके पास में क्ले तैयार हो गई, आपने क्ले ले ली। अब उस क्ले को क्या करना है, पानी मिला के आपने उसको रख दिया। अब उसको आप मोल्ड करोगे, मतलब उसको शेप दोगे, आपको सांचों में डालोगे आप। तो मोल्डिंग दूसरा स्टेप होता है ब्रिक को कंस्ट्रक्ट करने का, ब्रिक को बनाने का, प्रिपेयर करने का। तो आपके पास में दो ऑप्शन होता है, एक तो हाथ से मोल्ड करना, दूसरा मशीन से मोल्ड करना। अगर आप हाथ से मोल्ड करते हो तो दो आपके पास में ऑप्शन है, या तो आप ग्राउंड पे रखे मोल्ड कर सकते हो या फिर आप टेबल पे रखे मोल्ड कर सकते हो। लेकिन जो अच्छी क्वालिटी की जो ब्रिक मिलेगी, इट विल यू गेट फ्रॉम द टेबल मोल्डिंग। टेबल मोल्डिंग से आपको एक गुड क्वालिटी ऑफ ब्रिक यू विल गेट। ओके, नेक्स्ट इज द मशीन मोल्डिंग। अब मशीन मोल्डिंग का मतलब आपके पास में मशीन होगी, आप उसके अंदर ड्राई क्ले को भी डाल सकते हो और वो आपको परफेक्ट शेप की आपको क्या देगी, ब्रिक्स देगी। दूसरा वेट क्ले मोल्डिंग, मशीन के अंदर आप पानी डाल के भी और आपको मोल्डिंग तैयार कर सकते हो, यू कैन प्रिपेयर अ ब्रिक। तो देर आर टू टाइप्स मशीन मोल्डिंग के अंदर, ड्राई क्ले मोल्डिंग, दूसरा होता है आपका वेट क्ले मोल्डिंग। और हैंड मोल्डिंग का मतलब होता है हाथ से आपको मोल्ड करना, आपके हाथ से आप सांचों पे रखोगे क्ले को और आप उसको प्रेस करो, प्रेस करने के बाद में आप ग्राउंड पे भी बना सकते हो, टेबल पे भी बना सकते हो। तो मोस्ट इफेक्टिव जो होता है वो टेबल वाला होता है, ठीक है। तो ये तो हो गया मोल्ड करना, आपने उसको शेप दे दिया। अब शेप देने के बाद क्या करना है, जो शेप देने के बाद में उसको ड्राई करने के लिए छोड़ देना 24 आवर्स के लिए, और मोर देन 24 आवर्स। अब 24 आवर्स के बाद में उसको बर्न करना है, कि उसको हम बहुत ज़्यादा गर्म करते हैं, दैट्स वाई वो मजबूत बने। तो बर्न करने के लिए हमारे पास में दो ऑप्शन होते हैं, एक तो होता है क्लैम्प, ठीक है,
क्लैंप कुछ ऐसा दिखाई, ये ट्रेडिशन तरीका होता है, ये हॉरिजॉन्टल टाइप का। इसको मैं जूम करने की कोशिश करता हूँ, आई वुड लाइक टू शो यू इन द ओके। तो कुछ ऐसा दिखाई देगा, इट विल लुक लाइक दिस। तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे आप क्या करते हो, जितने भी आपके पास में ब्रिक्स होती है उनको सेट करके रख देते हो। देन व्हाट हैपन, नीचे से आप क्या करते हो, नीचे से आप यहाँ से आग जला देते हो, और जितना भी ऊपर आपने ब्रिक्स रखी हुई है वो इस तरीके से हीट जाती है ऊपर, और यहाँ से हीट ऊपर की तरफ मूव करती है, देन वो गर्म होती है, बर्न होती है, और बर्न होकर वो पक जाती है। इस तरीके से हम क्लैम्प्स का यूज़ करते हैं, इन स्ट्रक्चर्स को हम क्लैम्प्स बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद में बात आती है आपकी क्लैम्प्स के अलावा जो चीज़ आती है जिसमें हम बर्न करते हैं, उसका नाम होता है किल्न। और किल्न कुछ इस तरीके से होता है, ये थोड़ा सा ना मॉडर्न वे है ब्रिक्स को बर्न करने का, दिस इज द मॉडर्न वे यू कैन से। तो इसमें क्या करते हैं, आप जो आजकल देखते हो, आप चिमनी जो देखते हो वो, उनको हम किल्न बोलते हैं। वो दो तरीके की किल्न होती है, एक इंटरमीडिएट किल्न होती है, एक कॉन्टीन्यूअस किल्न होती है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इंटरमीडिएट किल्न, एक अपड्रॉट होती है। अपड्रॉट मतलब जो आपने यहाँ पे, मान लो यहाँ पे ब्रिक्स रखी हुई हैं, अब जो ब्रिक्स होती हैं वो नीचे से ऊपर की तरफ, अगर हीट, अब जो आपके पास में यहाँ पे अपड्रॉट होता है, अपड्रॉट का मतलब होता है जो हीट होती है वो नीचे से ऊपर की तरफ जाए, और डाउन ड्रॉट का मतलब होता है हीट ऊपर से नीचे की तरफ आए, डाउन साइड में जो आपकी हीट आएगी उसको डाउन ड्रॉट बोलेंगे। अब बात कर लेते हैं किल्न में, कंटिन्यूस किल्न जो होती है वो तीन तरीके की होती है, एक हॉफमैन होती है, बुल्स स्ट्रेंच होती है, नेक्स्ट टनल होती है। हॉफमैन आपने देखी होगी, हॉफमैन जो चिमनी आप देखते हो, जैसे आप कहीं पे जाते हो तो इस तरीके से आप एक चिमनी देखते हो, इसको ही बोलते हैं हॉफमैन्स किल्न बोलते हैं इसको। दूसरा बुल स्ट्रेंच इज ऑल्सो सिमिलर लाइक दिस, इसमें थोड़ा एरिया ज़्यादा होता है। टनल में एक टनल होती है इस शेप की, ठीक है, इसके अंदर ब्रिक्स को रख दिया जाता है, देन इसको हीट किया जाता है नीचे से, और ऊपर से जो आपके पास में जो हीट करने के बाद में जो वेस्ट बचता है, मतलब जो धुआं बचता है, उसको निकाल दिया जाता है। तो बर्न करने के बाद में हमारे पास में ईंट हो गई तैयार, अब उसको हम यूज़ करेंगे कंस्ट्रक्शन। अब हमारे पास में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको ब्रिक्स के बारे में जाननी है यूज़ करने से पहले। तो जो पहली बात होती है वो होती है साइज़, जो स्टैंडर्ड साइज़ होती है आपकी ब्रिक की वो होती है 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर विदाउट मोर्टार, मतलब बिना आपका चूना पत्थर लगाए, चूना लगाए हुए आपके पास में जो स्टैंडर्ड साइज़ होगी वो आपके पास होगी 19 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर, ओके। और अगर आपने अप्लाई कर दिया मोर्टार, देन इट विल बी 20 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर, ओके। और अगर मैं एक मीटर क्यूब का मतलब है एक ब्रिक्स को ऐसे एक मीटर क्यूब में अगर ब्रिक्स को रख दूँ, और फिर उनको क्या करूँ, मैं वेट करूँ, उनका वेइंग मशीन पे रख के उनको अगर मैं वेट करूँ, तो जो हमारा वेट आएगा इस 1 मीटर क्यूब का वो आएगा आपका 1800 kg, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट आपको फैक्ट याद रखना है, सीधा आ जाता है। और एक ब्रिक का जो वेट होता है वो 3 to 3.5 kg के नियर बाय होता है, ठीक है। तो यू हैव टू रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स। तो इसके बाद में हमें देखना है, इतना देख लिया, अब हम आगे चलते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी आपको एक ब्रिक के बारे में जानना। टेस्टिंग ऑफ ब्रिक, किसी एक आपने अब कंस्ट्रक्शन के लिए आपको ब्रिक यूज़ करनी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको टेस्ट करना पड़ेगा पहले, आप यूज़ करने से पहले यू हैव टू टेस्ट द ब्रिक्स। तो किस तरीके से आपको टेस्ट करना पड़ेगा, जो पहला टेस्ट होता है वो साइज़ का टेस्ट होता है। ब्रिक्स की साइज़ का जब आप टेस्ट करने जाओगे, देन आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको 20 ब्रिक्स लेनी है। साइज़ टेस्ट करते टाइम आपने 20 ब्रिक ली, 20 ब्रिक को ऐसे रख दिया आपने, एक दूसरे से ऊपर रख दिया, रखने के बाद में आपको एक क्यूब जैसा मिलेगा या क्यूबॉइडल जैसा मिलेगा। 20 ब्रिक को एक दूसरे के ऊपर रखने के बाद में 20 ब्रिक्स, याद रखना 20 ब्रिक्स, ये क्वेश्चन आया था कि कितनी ब्रिक्स लेते हैं आप साइज टेस्ट करने के लिए, तो आपको लेना 20 ब्रिक्स यू हैव टू टेक। अब 20 ब्रिक्स आपने ले ली, इसके बाद क्या करना है, अपने को लेंथ मेजर करनी है। अब जो इस क्यूबॉइड की जो लेंथ होगी, ये जो क्यूबॉइड आपके पास में आएगा, इसकी जो लेंथ होगी वो कितनी होगी, वो लेंथ होगी 380 mm प्लस माइनस, यहाँ माइनस भी आएगा, प्लस माइनस 12 mm, ठीक है। और जो विड्थ होगी वो 190 प्लस माइनस 6 mm, और हाइट होगी 190 प्लस माइनस 6 mm। तो आपको याद रखना है विड्थ और हाइट 196 प्लस माइनस 6 mm, प्लस माइनस 6 mm 190, ठीक है, और लेंथ जो होगी वो 380 प्लस माइनस 12 mm, ये तीनों चीज़ें आपको याद रखनी है प्लीज़। उसके बाद हम बात कर लेते हैं वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट।
वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट का मतलब क्या है कि आपकी ब्रिक कितना वाटर को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकती है। दिस इज कॉल्ड द वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट। कैसे करते हैं, आपने एक ब्रिक ली, उसको आपने वेइंग किया, मतलब उसको वेट किया, उसका वेट किया, और वेट करने के बाद में उसके पास में आपके पास में आएगा W1 वेट। ओके, इस ब्रिक को आपको क्या करना है, एक वाटर के अंदर, ये आपके पास में वाटर का कोई कंटेनर था, वाटर भरा हुआ था इसमें, इस कंटेनर के अंदर ही पानी था, यहाँ पे आपने ब्रिक को डाल दिया 16 घंटे के लिए। इस ब्रिक को आपने 16 घंटे के अंदर पूरा इमर्ज कर दिया, डुबो दिया 16 आवर्स के लिए। यू हैव पुट द ब्रिक इनटू वाटर, उसके बाद में इसको निकाला, 16 घंटे के बाद आपने निकाला, निकालने के बाद में आपने इसको ड्राई किया सुखाने के लिए रख दिया। फिर उसके बाद अगेन आपने वेट किया, अब यहाँ पे वेट किया, अब यहाँ पे दो चीज़ आएंगी आपके पास में, एक तो आएगा क्या, वेट का डिफरेंस आएगा, मतलब कि आपके पास में W2 माइनस W1 आएगा, W2 ऑफकोर्स ज़्यादा होगा, अगर उसका रिस्पेक्ट W1 के साथ में निकाला जाए तो एक रेशियो आएगा, उसको परसेंट में करना हो तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, देन यू विल गेट द परसेंटेज, आपका वाटर एब्जॉर्प्शन का परसेंटेज आएगा कि आपकी ईट, आपकी ब्रिक कितना पानी पीती है, कितना पानी एब्जॉर्ब करती है। तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि फर्स्ट क्लास ब्रिक के लिए जो वाटर एब्जॉर्प्शन होना चाहिए वो सिर्फ 20% है, जितना कम वाटर एब्जॉर्प्शन उतना ठीक होता है। सेकेंड क्लास ब्रिक के लिए इट शुड बी 22.2%, फॉर थर्ड क्लास ब्रिक इट शुड बी 25%। तो आपको ये परसेंटेज याद रखनी है, फर्स्ट क्लास ब्रिक के लिए जो वाटर एब्जॉर्प्शन परसेंट है दैट शुड बी द 20%, फॉर सेकेंड क्लास इट शुड बी 22.2%, फॉर थर्ड क्लास इट शुड बी 25%। तो यू शुड रिमेंबर ऑल दिस डेटा। ओके, नेक्स्ट इज द क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट या क्रशिंग टेस्ट बोलते हैं। क्या करते हैं, क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट को मेजर करने के लिए आप एक ब्रिक लेते हैं, ब्रिक लेने के बाद में उसके बीच में एक कैविटी होती है, इस तरीके से आपने देखी होगी, कैविटी होती है जिसको हम फ्रॉग बोलते हैं, जगह होती है। इस फ्रॉग के अंदर हम क्या करते हैं, सीमेंट और मतलब कि मिट्टी, मतलब सीमेंट और आपका सैंड, सीमेंट कितनी 1:1, सैंड कितनी 3, तो ये सीमेंट ये सैंड इतने रेशो में मिला के इसमें फिल कर देते हैं। इसको फिल करने के बाद में, फिल कर दिया, फिल करने के बाद में इसको भी आप क्या करोगे, यू हैव टू पुट इट इनटू वाटर, इसको भी आपने वाटर में डाल दिया, देन व्हाट हैपन, ये वाटर में डूब चुका है कम्प्लीटली, इट्स इमर्ज इनटू द वाटर, ये वाटर में डूब जाएगा, देन व्हाट वी शुड डू नाउ, हमने इसको क्या करना है, वाटर में डूबने के बाद में दोबारा से 24 घंटे के बाद निकाल देना, उसके बाद में इसको मशीन पे रखना है, मशीन जिसका नाम होता है यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन, जो कि क्या करती है, लोड अप्लाई करने के लिए काम आती है, और हमें किस रेट से इस पे लोड लगाना है, 14 N/mm² पर मिनट के हिसाब से इस पे लोड लगाना है, ब्रिक के ऊपर आपको लोड लगाना है किस हिसाब से, ये UTM है आपकी, ये आपकी ब्रिक है, और इस तरीके से आपको लोड लगाना है 14 N/mm² पर मिनट के हिसाब से लोड लगाना है। अगर आप इस हिसाब से लोड लगाते हो तो फर्स्ट क्लास जो ब्रिक होगी वो 10 N/mm² से पहले नहीं टूटनी चाहिए, और जो सेकंड क्लास होगी वो 7.5 N, अगर कोई ब्रिक 3.5 N/mm² पे ही टूट गई या इससे कम पे टूट रही है, उस ब्रिक को हम लेते ही नहीं है, वी शुड नॉट कंसिडर दिस ब्रिक, हमें इस ब्रिक को यूज़ में नहीं लेना है, बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अपने ऊपर सहन कर पा रही है। नेक्स्ट होता है आपका सॉल्यूबल सॉल्ट टेस्ट। इसका मतलब क्या होता है कि आपके ब्रिक के अंदर कोई भी ऐसा सॉल्ट हो जो वाटर में सॉल्यूबल हो, उसको चेक करने के लिए हमें एक एक्सपेरिमेंट करना होता है। वो एक्सपेरिमेंट कैसे करते हैं, हम पुट द ब्रिक फॉर 24 आवर्स इन वाटर, आपको वाटर लेना है, उसको उसके अंदर ब्रिक को डालना है। फॉर एग्जाम्पल यू हैव अ कंटेनर, आपके पास में कोई एक कंटेनर है, आपने ये कंटेनर लिया, इसके अंदर वाटर है, वॉट वी शुड नेक्स्ट, वी शुड डू नेक्स्ट, आपको ब्रिक लेनी है और इसके अंदर डाल देनी है फॉर 24 आवर्स, 24 घंटे के लिए आपने इसमें डाल दी, अब इसके बाद में निकाल देनी है, निकालने के बाद में आपको देखना है कि इसके ऊपर वाइट स्पॉट्स आ जाते हैं, मतलब आपने देखा होगा कि ब्रिक के ऊपर वाइट स्पॉट्स आते हैं, अगर 10% पूरे सरफेस के 10% पे अगर वाइट स्पॉट्स आ रहे हैं तो इट्स लाइट, ये चलेगा, 50% पे आ रहे हैं तो भी चलेगा, इट्स मॉडरेट, लेकिन आपका 50% से ज़्यादा सरफेस पे आपको वाइट स्पॉट्स दिख रहे हैं जिसको एफोरसेंस बोल रहे थे, तो ये नहीं चलेगा, ठीक है। तो दिस इज़ द सॉल्यूबल सॉल्ट टेस्ट कि कोई कितना आपका सॉल्ट ब्रिक के अंदर है, ज़्यादा सॉल्ट होगा तो इट विल बी नॉट गुड फॉर यू। नेक्स्ट इज
ये तो हो गया, टेस्ट कर लिया, अब ब्रिक को हमें बनाना है। तो ब्रिक मिशनरी हम देखेंगे। ब्रिक मिशनरी में हम क्या देखते हैं, ब्रिक मिशनरी में हम देखते हैं कि ब्रिक्स को किस तरीके से आप वॉल्स के अंदर अरेंज करते हो, कितने तरीके से हम अरेंज कर सकते हैं। तो ब्रिक्स के कुछ पार्ट्स होते हैं, उनको क्या बोलते हैं वो हम देखते हैं। देखिए ब्रिक का जो ये वाला पार्ट होता है ऊपर वाला, इसको बेड बोलते हैं, और जो ये पार्ट होता है इसको हम हेडर बोलते हैं, और जो लेंथ वाला पार्ट होता है इसको हम स्ट्रेचर बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे कैविटी होती है जो, जिसको मैंने पहले ही आपको बताया, जिसको हम फ्रॉग बोलते हैं, जो कि 1 से 2 सेंटीमीटर डेप्थ में होता है, मतलब 2 सेंटीमीटर कॉमनली डेप्थ में होता है। और एक क्यूयोन होता है। क्यूयोन क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। ये एक्सटीरियर पार्ट होता है। जब आपने देखा होगा कि किसी भी वॉल को अगर हम बनाते हैं तो ये जो पार्ट होता है इसको ही हम बोलते हैं क्यूयोन, ठीक है। इस पार्ट को, इस एंगल को, इस हिस्से को हम बोलते हैं एक्सटीरियर पार्ट को। तो ये आपको क्यूयोन याद रखना है, स्ट्रेचर याद रखना है, बेड याद रखना है, हेडर याद रखना है, और फ्रॉग याद रखना है। अब हम चलते हैं इनके टाइप्स ऑफ क्लोजर्स क्या होते हैं, क्लोजर्स क्या होते हैं, पैट क्या होता है। देखिए क्लोजर्स क्या होते हैं, हम ब्रिक को तोड़ सकते हैं एक ब्रिक को, अगर क्योंकि हमें जरूरी नहीं कि ब्रिक हमेशा कंप्लीट ही आपको एक वॉल के अंदर यूज हो। हमें ऐसा टाइम आ सकता है जब इसको तोड़ के लगाना पड़े। तो हम कितने तरीके से तोड़ सकते हैं और उनका क्या क्या नाम होता है। देखिए या तो हम इस तरीके से तोड़ सकते हैं ब्रिक को, ये आपकी एक फुल ब्रिक है, ठीक है, ये कंप्लीट कोई एक ब्रिक है। अगर मैं इस ब्रिक को लेंथ के अलोंग तोड़ता हूँ, इस तरीके से तोड़ता हूँ, तो जो हमारे पास में जो क्लोजर आएगा, जो ये वाला हिस्सा आएगा, इसको बोलते हैं क्वीन क्लोजर, ठीक है, दिस इज कॉल्ड द क्वीन क्लोजर। और अगर इसको मैं विड्थ के अलोंग तोड़ता हूँ तो इसको बोलते हैं बैट, और हाफ आधा तोड़ू तो हाफ बैट, अगर 1/4 तोड़ू, 1/4 तोड़ू तो इसको बोलेंगे क्वार्टर बैट, ठीक है। तो इस तरीके से बैट बोलते हैं। अगर विड्थ के अलोंग थोड़ा, लेंथ के अलोंग थोड़ा, इट विल बी नोन एज द क्लोजर। अगर ऐसा बिल्कुल हाफ आपने कट कर दिया तो इट विल बी नोन एज द क्वीन क्लोजर। उसके बाद में एक चीज़ आती है किंग क्लोजर। इस किंग क्लोजर का मतलब क्या है, देखिए क्या होता है, अगर मैं इसको ब्रिक को कट करूँ उसके कॉर्नर से, और जो बीच वाला पार्ट है वो इसके बीच वाले पार्ट को कट कर रहा है, देन दिस इज नोन एज द किंग क्लोजर। लेकिन अगर मैं इस बीच वाले पार्ट को एक्सटेंड करके यहाँ पे ला दूँ, ये वाला हिस्सा इसको कट कर रहा है, देन इट विल नोन एज द बेबल्ड क्लोजर। तो आपको याद रखना है ये क्वीन क्लोजर, किंग क्लोजर एंड बेबल्ड क्लोजर, ठीक है। और बैट का मतलब होता है व्हेन यू कट द ब्रिक अलोंग विथ द विड्थ, ओके। तो देर आर सेवरल टाइप ऑफ क्लोजर एंड बैट जो आपको याद रखने, क्वार्टर बैट होता है एक हाफ बैट होता है, और एक क्वीन क्लोजर होता है, एक किंग क्लोजर होता है, और एक बेबल्ड क्लोजर होता है। तो यू हैव टू रिमेम्बर ऑल दीज टर्म्स। अब बात कर लेते हैं इनके बॉन्ड की, कि हम वॉल्स में किस किस तरीके से हम बॉन्ड्स बना सकते हैं ब्रिक्स के। तो जो पहला होता है वो होता है स्ट्रेचर बॉन्ड। स्ट्रेचर बॉन्ड का मतलब होता है, आपको पता है स्ट्रेचर क्या होता है, स्ट्रेचर का मतलब होता है लंबा वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ठीक है। अगर मैं क्या करूँ, सारी ब्रिक्स को एक दूसरे के ऊपर स्ट्रेचर के ऊपर स्ट्रेचर इस तरीके से जमाता जाऊँ, स्ट्रेचर ओवर स्ट्रेचर, देन वॉट विल हैपन, यहाँ पे भी स्ट्रेचर और इस तरीके से स्ट्रेचर, तो क्या होगा, इस वाले को बोलेंगे हम स्ट्रेचर बॉन्ड्स। और ये क्या होगा, आपको हाफ ब्रिक देगा, हाफ ब्रिक, हाफ ब्रिक मतलब जो थिकनेस होगी ब्रिक की वो बहुत पतली होगी, ठीक है। तो स्ट्रेचर इस तरीके से आपको दिखाई देगा अगर आप देखोगे तो। दूसरा बॉन्ड होता है इंग्लिश बॉन्ड। अगर आप इंग्लिश बॉन्ड देना चाहते हो किसी वॉल में, देन वॉट वी शुड डू, आपको एक बार क्या, एक लेयर रखनी होगी नीचे स्ट्रेचर की, ठीक है। आपको एक लेयर स्ट्रेचर की रखनी है, जैसे कि ये आप देख पा रहे हो स्ट्रेचर की रखनी है। स्ट्रेचर की रखने के बाद में उसके ऊपर रखनी है आपको हेडर की लेयर, हेडर 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 हेडर, इस तरीके से आपको हेडर की लेयर रखनी है। तो स्ट्रेचर देन हेडर, फिर स्ट्रेचर, फिर देन हेडर, दिस सीक्वेंस शुड बी कंटिन्यू, ओके, अप टू द टॉप। उसके बाद इंग्लिश बॉन्ड के बाद आता है आपके पास में फ्लेमिश बॉन्ड। फ्लेमिश बॉन्ड का मतलब क्या होता है, फ्लेमिश बॉन्ड का मतलब होता है आप अल्टरनेट करके एक बार स्ट्रेचर एक बार हेडर आप अगर प्रोवाइड कर रहे हो, दिस इज कॉल्ड द फ्लेमिश बॉन्ड। मतलब ये हेडर आपने प्रोवाइड किया, ये सॉरी स्ट्रेचर आपने प्रोवाइड किया, देन आपने हेडर प्रोवाइड किया, देन स्ट्रेचर, देन हेडर, देन स्ट्रेचर, देन हेडर। तो इसके ऊपर भी सेम आपने सीक्वेंस को फॉलो किया, दिस इज कॉल्ड द फ्लेमिश बॉन्ड। अब एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो फ्लेमिश बॉन्ड होता है वो अच्छा दिखता है लेकिन मजबूत नहीं होता है, लेकिन इंग्लिश बॉन्ड जो होता है वो अच्छा दिखता नहीं है लेकिन ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है ब्रिक वर्क का।
तो नेक्स्ट इसमें हम देख सकते हैं लास्ट बोन, जिसको बोलते हैं हेडर बोन, ठीक है। ये स्ट्रेचर बोन था। उसी तरीके से अगर मैं सारे हेडर 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 को अगर एक दूसरे के ऊपर रख दूँ तो उसको बोलेंगे हेडर बोन। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि दिस इज कॉल्ड द हेडर बोन। और हेडर बोन का क्या काम होता है, ये वन ब्रिक वॉल बनाने के लिए काम आता है। तो यहाँ पे हम दो चीज़ें समझ सकते हैं, स्ट्रेचर हाफ ब्रिक वॉल एंड हेडर फॉर द वन ब्रिक वॉल। अगर मैं बात करूँ फ्लेमिश बॉन्ड की, तो इन दिस बॉन्ड एक स्ट्रेचर एक हेडर लगाना है आपको। लेकिन इंग्लिश बॉन्ड के अंदर आपको पहले स्ट्रेचर फिर हेडर, फिर स्ट्रेचर फिर हेडर, फिर स्ट्रेचर फिर हेडर। दोनों की क्या खास बात होती है, इंग्लिश बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होता है लेकिन फ्लेमिश बॉन्ड स्ट्रांग नहीं होता, लेकिन दिखने में अच्छा होता है। तो ये आपको याद रखना है। अब हम बात कर लेते हैं जो मोर्टार हम यूज़ करने वाले हैं उनकी ग्रेड्स के बारे में और उनकी मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के बारे में। तो यहाँ पे जो हमारे पास में ग्रेड्स होंगी मोर्टार की, वो होगी H1, S2, M1, M2, L1, L2, HML, ये याद रखना है आपको। H1 और H2 की मैं अगर बात कोई बोले तो उसका मतलब है इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हो रही है कितनी आपके पास में, हाई, H से हाई मतलब 10 कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर है। H2 की अगर मैं बात करूँ तो इट विल बी 6 to 7.5, एंड M2 की, M1 की बात करूँ तो इट विल बी 3 to 6, एंड M2 की अगर मैं बात करूँ तो इट विल बी 2 to 3, ठीक है। L1 की बात करूँ तो 1.5, L2 की बात करूँ तो 0.5। तो इस तरीके से आपके पास में ग्रेड्स और उनकी मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। देखो H1 हाई से याद रखो यार, मतलब हाई, H2 मतलब थोड़ा सा नीचे, जैसे ग्रेड होती है ना A1 A2, तो H1 मतलब हाई, हाई का भी पहला पार्ट तो क्या क्या होगा 10, 6 से 7.5, M1 मतलब 3, मीडियम मतलब बीच का 3 से 6, फिर 2 से 3 इस तरीके से, और L4 लो आपके पास में कंप्रेसिव स्ट्रेंथ वाली 1.5 से 0.5, तो हाई मीडियम लो इस तरीके से स्ट्रेंथ आपको याद रखनी है। ये ग्रेड्स होती है आपके किसकी, मोर्टार की, जो आप ब्रिक्स को चिपकाने के लिए यूज़ करने वाले। अब बात कर लेते हैं मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशियो। अब सबसे पहले आपको ये आना चाहिए कि स्लेंडरनेस रेशियो का मतलब क्या होता है। देखिए स्लेंडरनेस रेशियो का बेसिक मतलब होता है इफेक्टिव हाइट डिवाइडेड बाय इफेक्टिव थिकनेस। इफेक्टिव हाइट का मतलब क्या है, इफेक्टिव हाइट का मतलब होता है कि जिस आपने, फॉर एग्जांपल आप किसी वॉल की ऊंचाई को, अगर मैं बात करूं कि ये आपकी कोई वॉल है और ये इसकी लेंथ है, मैं इसको एल ई या एच ई भी बोल सकता था, और ये इसकी विड्थ है डब्ल्यू ई, इफेक्टिव विड्थ, जिसपे लोड लगता है उसको हम बोलते हैं इफेक्टिव लेंथ और इफेक्टिव विड्थ, ठीक है। जिस एरिया पे, जिस सरफेस पे लोड लग रहा है उसको इफेक्टिव लेंथ, इफेक्टिव विड्थ बोलते हैं। अब मैं बात करूं कि इन दोनों के रेशियो को, इफेक्टिव हाइट मतलब एल ई डिवाइडेड बाय डब्ल्यू ई, इस रेशियो को ही क्या बोलते हैं, मैक्सिमम या स्लेंडरनेस रेशियो बोलते हैं। कितना मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशियो होना चाहिए पीपीसी के लिए और लाइम मोर्टार के लिए, वो देखते हैं। देखिए वॉल्स के लिए कितना होना चाहिए और कॉलम के लिए कितना होना चाहिए, वॉल्स मतलब दीवार। अब नंबर ऑफ स्टोरी आपके पास में पता होना जरूरी है, नंबर ऑफ स्टोरी मतलब आप कितनी स्टोरी की बिल्डिंग बना रहे हो। लेस देन 2 है मतलब 2 से कम आपके पास में है, तो मतलब एक स्टोरी की आप बिल्डिंग बना रहे हो और पीपीसी यूज कर रहे हो, तो उसका स्लेंडरनेस रेशियो आपके पास में होना चाहिए 27, और मोर देन 2 है तभी भी 27 होना चाहिए। पीपीसी अगर सीमेंट यूज कर रहे हो आप ना, पोर्टलैंड सीमेंट, और लाइम मोर्टार यूज कर रहे हो तो इट शुड बी 20, और मोर देन 2 के लिए 13 होना चाहिए, और 4 कॉलम के लिए कितना होना चाहिए, मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशियो हमेशा हर कॉलम के लिए 12 होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है, ऊपर वाला याद करो या मत करो ये आपको याद करना है कि कॉलम के लिए जो मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशियो है वो 12 होना ही होना चाहिए। दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। दैट वॉज द कम्प्लीट चैप्टर। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज आप कमेंट बॉक्स में डालिए और मैं उसके ऊपर आपको पर्टिकुलर वीडियो दूंगा, और आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक भी करें। थैंक यू।